भैया ये मेरी करीब आने की तुमने कोशिश भी की तो खबरदार जो मेरे करीब भी आने की तुमने कोशिश की तो दूर रहो मुझसे। ममद चचा चची ने अपनी परी की शादी कर दी है, वो भी तीफे जैसे किसी मामूली और थर्ड क्लास इंसान के साथ। ये सब क्या है बेटे? ये सब आपकी परी की देन है बाबा। मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तुम तो बहुत बहादुर हो, पर बहादुर अगर टूट भी जाए तो इस तरह से बिखरा नहीं करते बेटा। नहीं हुए बहादुर बाबा, मुझे बताएं कि क्यों किया है परी ने मेरे साथ ये सब? क्यों उस घटिया तीफे को मुझ पर तरजीह दी? बाबा मुझे बताएं कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरा क्या कसूर था? क्या मैं उस तीफे से भी गया गुजरा? मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ देखना, जरूरी तो नहीं कि किसी एक शख्स के लिए अपने आप को बर्बाद करते फिर। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तुम्हें, बहुत कुछ करना है बेटा आगे। इस तरह से अपने आप को बर्बाद मत करो। मैं बात करता हूँ, शायद हामिद को मेरी बात समझ में आ जाए। वो भी इस घर का एक फर्ज है, शायद उसकी बात मान जाए। तो अपना ख्याल रखो बस। आपको नहीं पता साहब बेटा, परी जैसी मासूम और भोली भाली बच्ची को किस अजाब में डाल दिया गया है, वो भी सिर्फ आपसे उसे दूर रखने के लिए। लेकिन मैं आपको ये सब कैसे बताऊं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही।